लीगल एडवाइज़र टीम पुरुष आयोग फरीदाबाद। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आज के टाइम में हर पुरुष के लिए बहुत ज़रूरी है, हर परिवार के लिए ज़रूरी है। ये जैसे कैंसर फैल चुका है, ऐसे ही एक ये बीमारी लग चुकी है 498 कि हर दूसरा घर इसी चीज़ से पीड़ित है। इसलिए फरीदाबाद में एक टीम हमने बनाई है, टीम पुरुष आयोग फरीदाबाद का हमारा ट्रस्ट का संगठन का नाम है, जिसमें हम पत्नी पीड़ित जो पुरुष होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी करते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आजकल हम देखेंगे कि हर दूसरा घर इसी चीज़ से पीड़ित है कि शादी हुई, मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हुआ, देन झगड़े का इशू चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन जैसे ही वो टच में आती है अपने मायके वाले, तो वो सिर्फ उन पर एक एडवाइस होती है, उन पर भी पुलिस में भी कानूनी जितने भी एक्सपर्ट हैं वो 498 का मुकदमा दर्ज कराएगा, चाहे झूठा सच्चा बाद में पता चलता रहेगा, झूठा था सच्चा था, लेकिन एक प्रेशर बनाया जाए लड़के लड़के के परिवार को 498 दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करा के वो चाहते हैं लड़के को अपने बस में करना। इसलिए हमने ये टीम पुरुष आयोग फरीदाबाद के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है, और इसमें हम जो आगे काम ये करेंगे, मेरी सरकार से भी ये अपील है, पिछले 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं और पिछली सरकार से अब भी एट प्रेजेंट वही सरकार है, हम यही बार बार प्रेस बनाते रहे, ज्ञापन देते रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, CM साहब को, अपने MP साहब को, अपने प्रधानमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया था थ्रू DC, उसमें हमने यही डिमांड करी थी कि इसको एक लीगल फॉर्म में लाया जाए टीम पुरुष आयोग को, जैसे एक महिला आयोग है वैसे हम चाहते हैं एक पुरुष आयोग बने और गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेके और इस पर वर्क करे, क्योंकि ये चीज़ एक जैसे कैंसर फैलता जा रहा है ऐसे ये 498 बीमारी फैलती जा रही है, और खाली 498 नहीं, इसके साथ बहुत सारे ऐसे महिलाओं के लिए कानून है लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है। जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इस अपने इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जेंडर इक्वलिटी की बात सब करते हैं कि लड़कियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आजकल उल्टा ये हो रहा है कि लड़कियों को नहीं, हम ये चाहते हैं कि लड़कों को समान अधिकार मिले। जो लड़की अगर कोई ऐसा काम करती है कि अगर उसने कोर्ट में झूठ बोला या वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 125 पे आ जाते हैं, 125 एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो एक आदमी भी अपनी वाइफ पे मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकता है और एक मिसेज जो होती है पत्नी वो भी अपने हस्बैंड पे डाल सकती है, लेकिन आजकल आज तक मुश्किल से मुश्किल एवरेज होगी सिर्फ 1% भी नहीं होगी, मुश्किल से 1000 केस होंगे पूरे इंडिया में जो किसी पत्नी पति ने अपनी पति के ऊपर डाले, ओनली 1000 केस होंगे पूरे इंडिया में, और उनको खर्चा नहीं मिला होगा, लेकिन एक वर्किंग लेडी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस डालती है विद इन 2 months या 6 months उसका मेंटेनेंस फिक्स हो जाता है। तो मैंने एक स्पेशल स्लोगन भी बनाया था कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है शादी करो पैसे कमाओ बिना रिटायरमेंट पेंशन, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है एक किसी भी लेडीज या लेडीज लड़की के परिवार के लिए कि शादी करो, उनसे पैसे की डिमांड करो, ना दे तो डाइवोर्स फाइल कर दो, मेंटेनेंस फाइल करो, और बिना रिटायरमेंट के पेंशन 5000 रुपये मिनिमम फिक्स कर देती है कोर्ट। तो इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात सिर्फ ये है कि दोनों को इक्वल समझो, कि अगर लेडीज़ के ने कोई काम किया तो उसको ही वही सजा होनी चाहिए, अगर पुरुष ने काम किया तो उसको भी सजा होनी चाहिए। एक झूठा केस दर्ज करती है कोई लड़की, दर्ज करा देती है 376 किसी के बहकावे में आते या पैसे हटने की नियत से, और वो लड़का बरी हो, उसकी कोई रेमेडी नहीं है पूरे कानून में कि उसके 10 साल उसने केस फाइट किया या 6 महीने की उसने सजा काटी, 1 साल की सजा काटी और वो बाद में लास्ट में बरी हो गया, उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। दूसरा, वो लड़की जो झूठा मुकदमा दर्ज कराती है पैसे लेके अपने बयान दर्ज करवा देती है, वहाँ पे 340 एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, कोर्ट की ड्यूटी बनती है, कोर्ट को करना चाहिए 340 उस पर बनाए और उसको अंदर करे। तो मैं टीम पुरुष आयोग फरीदाबाद के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हो मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं नंबर इस पर डाल देंगे हम अपना,
और फरीदाबाद में आके चैम्बर, मेरा चैम्बर नंबर 423 है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में सेक्टर 12। फ्री कानूनी सलाह सबके लिए है, मैं नहीं कह रहा कि लेडीज़ के लिए नहीं है, लेडीज़ के लिए भी है, लेडीज़ भी, मेरा कहने का सिर्फ तत्पर्य समझे, खाली पुरुषों के लिए नहीं, सबके लिए फ्री ऑफ कंसल्टेंसी, चाहे वो लेडीज है चाहे पुरुष है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, झूठा मुकदमा ना तो लड़का दर्ज कराए ना लड़की दर्ज कराए। जो पत्नी पीड़ित खाली पुरुष नहीं होता, उस पति के साथ उसका परिवार पूरा, उसके माँ बाप बहन नाना नानी दादा दादी सब पे एलिगेशन। हाउ कैन पॉसिबल, ऐसा होता है क्या? जो बेटी, एक बेटी शादी से पहले बिफोर मैरिज वो इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो गोल्ड मेडल जीत के ला सकती है, आफ्टर मैरिज क्या हो जाता है उसको, एक पति पे निर्भर रहती है। शेमफुल है। आज मैंने ऐसे डाटा मैं दिखाऊंगा, अभी आगे आगे जब जैसे ही टाइम मिलेगा, मैंने डाटा कलेक्ट किया है कि जो जनरल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लगाओ, मैं अपनी बता देता हूँ तो आपको सब पता लगेगा, हम रोज़मर्रा में वो चीज़ें देखते हैं लेकिन उनको अपनी लाइफ में या किसी को बताना कैसे बताना है वो ढंग किसी को नहीं पता। हमने आज कोर्ट में भी ये चीज़ें लगाई थी कि हम सुबह जब उठते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैं पार्क जाता हूँ, पार्क जाते ही सबसे पहले मुझे मिलता है वहाँ पे हेल्थ, एक वहाँ पे वो लगा के रखते हैं अपना कैनोपी और वो जूस, हेल्थ केयर के नाम से जूस बेचते हैं, जो लेडीज़ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो लेडीज़ वहाँ पे खड़ी होती है सुबह मर्ली मॉर्निंग 6 बजे 5:30-6 बजे और हेल्थ केयर के जरिए वो अपना निर्वाह करती है, जूस सूप जो भी है सेल करती है और अपने घर का निर्वाह करती है और बच्चों को पाल रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, आप सुबह सुबह सब्जी मंडी जाइए, आपको 60 इयर्स 70 इयर्स लेडीज़ मिलेंगी आपको जो सब्जी देखती मिलेंगी, क्या उनकी इच्छा नहीं होती अपने घर के आराम से बैठ के सोएंगी? लेकिन वो अपने परिवार को पालने के लिए सुबह 4 बजे उठती होंगी ना, सुबह 4 बजे उठती होंगी, सामान लाती होंगी, सेल करती हैं, उनको ये भी पता है किसने कितना सामान लिया, उसके पैसे कितने काटने, अनपढ़ लेडीज़। थर्ड आ जाओ, अपनी कोर्ट कचहरी से लेता हूँ, सेक्टर 12 कोर्ट के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जो लेट लंच टाइम में देखेंगे आप, हमारे यहाँ कोर्ट के आसपास 3 या 4 ढाबे चलते हैं, लेडीज चलाती हैं, वो अपना निर्वाह करती है, अपने परिवार को पालती है, वो तो किसी के आगे भीख नहीं मांगती, वो भी अपने पति पे केस डाल सकती हैं। और कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोर्टें क्या कर रही हैं कि नहीं मेंटेनेंस पति नहीं देगा तो उसके पेरेंट्स भी देंगे, नई अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट नई अथॉरिटी यह ही है कि अगर पति कैपेबल नहीं है और उसके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ कैपेबल हैं तो वो भी उस लेडीज़ को मेंटेनेंस देने के हकदार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। एक लेडीज़ कोर्ट में सुबह से शाम तक नियर अबाउट 70-75 ईयर्स कूड़ा बीनती है, जो बोतलें यहाँ फेंक देते हैं हम सब लोग पानी पी के, उनको इकट्ठा करती है, सेल करती है, अपने परिवार को पालती है, मेहनत करती है, मजदूरी करती है। और पढ़ी लिखी लेडीज़ क्या कर रही है? नहीं, छोटी सी बात पे फाइल करो 125, मेंटेनेंस बंदवाओ, मैंने बताया ना स्लोगन, शादी करो पैसे पाओ, बिना रिटायरमेंट पेंशन पाओ। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप सबसे ये अपील करूँगा कि आप जिसको जैसी ज़रूरत है, हम जिस लायक हैं, हमारे पास आएँ, कॉल करें, मैसेज करें, हम सबकी हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और जो जहाँ भी होगी हम आपका केस कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।